धर्मनगरी पिहोवा में बनेगा भव्य और आकर्षक सरस्वती संग्रहालय। मंत्रोच्चारण के बीच महोत्सव के हवन यज्ञ में डाली आहुति। अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में की संग्रहालय बनाने की घोषणा। एक साल के अंदर म्यूजियम बनाने की योजना। ACS ने किया अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के सरस और हरियाणा दर्शन गैलरी का अवलोकन। सरस्वती महोत्सव ने लिया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दर्जा। हरियाणा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पिहोवा धर्म नगरी की पावन धरा पर मां सरस्वती संग्रहालय बनाया जाएगा। इस संग्रहालय की योजना को एक वर्ष के अंदर अमली जामा पहना दिया जाएगा। SCS अमित झा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सूरज कुंड और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तरफ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव बड़ा अच्छा आयोजन है। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती मेला का आज समापन है। इस साल त्रिदिवसीय ये मेला था, ये महोत्सव मनाया गया और बहुत ही मनोरम दृश्य है। आप देख रहे हैं जिस तरह से गीता जयंती मनाई जाती है पूरे एक वर्ष, उसी तरह से अब ये सरस्वती जयंती या सरस्वती मेला भी स्थापित हो चुका है। और ये तीन त्रिदिवसीय मेला आदिबद्री से शुरू हुआ, पेवा में तीनों दिन चला है, आज यज्ञ से ये समापन हुआ है। कल एक कॉन्फ्रेंस क्षेत्र में हुआ था, इंटरनेशनल सरस्वती कॉन्फ्रेंस, जिसमें हर एक आयाम पे विचार किया गया। बहुत ही उत्तम था वो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल स्तर का, जिसमें बाहर के भी स्कॉलर्स आए थे। और आज हमारे बीच में इंद्रेश जी भी हैं और यहाँ हरियाणा के गणमान्य लोग हैं। तो मेरे ख्याल ये बहुत ही अच्छी परंपरा है जो शुरू हुई है, और इसको आने वाले वर्षों में और भी बढ़ाया जाएगा। और सरस्वती माँ के, सरस्वती देवी के लिए एक म्यूजियम भी बनाने का हरियाणा सरकार का निर्णय है। वो म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा इस पर विचार हो रहा है, या तो पेवा में या कुरुक्षेत्र में। अगर पेवा वासी चाहेंगे तो यहीं बन जाएगा, मैं स्वयं चाहता हूँ कि यहाँ बने, तो ये बनाने का शीघ्र ही इसकी स्थापना की जाए। दूसरा, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, एक दिन में लाखों रुपए कमा रही है, बहुत अच्छी पहल है जिला प्रशासन के प्रति। दूर तरह की जो महिलाएं हैं, जिला प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र को बधाई मैं दूंगा। कहाँ गए संजय और संजय, बहुत अच्छा सूझबूझ दिखाया है। और धीरेन्द्र जी फतेहाबाद में इससे पहले डिप्टी कमिश्नर थे, तो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप में उन्होंने काफ़ी काम किया था। यहाँ पे भी उन्होंने ये पहल दी और महिलाओं के ग्रुप में आकर यहाँ, जैसा आप स्वयं कह रहे हो, तो ये बहुत ही सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम, कई करोड़ का। सबको बधाई। कब तक मंदिर बनने की संभावना है आपकी? खुद जिले की हवाई शिक्षा है कि वो सेवा में बनना चाहिए म्यूजियम सर? ये बहुत शीघ्र, अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मेरी बात हुई है, वहाँ से लोग आने वाले हैं, वो देखेंगे, अध्ययन करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर वहाँ का आशीर्वाद हुआ तो इसकी नींव जो है वो एक साल के अंदर लग के और काम शुरू हो। उसके बाद ना करें सर, क्या करेंगे? क्योंकि ये पिछले काफ़ी समय से इस प्रकार से सरस्वती नदी के उद्गम, उसका जो पुराना प्रभाव था, उसको लेकर के बहुत सारा काम हुआ है हरियाणा सरकार के द्वारा भी हुआ है, अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा भी हुआ है। और इस बात से लोग परिचित हुए हैं जिस प्रकार से एक समय में हम गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी मान के आए हैं, तो सरस्वती नदी का भी बड़ा उत्तम था, जो किसी भी प्रकार से गंगा जी हमें। और हम दोबारा से इसकी तरफ सरकारों का भी ध्यान आकर्षित हुआ है, और हरियाणा सरकार ने भी मुख्यमंत्री विपुल राज्य के नेतृत्व में इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। तो मैं इसके लिए हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूँ। आज के जो कार्यक्रम थे, इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, वो आज इसमें जितने भी हमारे बंधु भाई आए हैं, उन सबको बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूँ। क्या कुछ लगता है, नहीं लगता कि पहली बात का जो मात्रा चल रहा है वो पहले बात करेंगे डेढ़ दो महीने से? देखिए, दिल्ली की जनता हर बात को, और मैं समझता हूँ चाहे शाही बात का मामला हो
जनता इतनी सजग है कि हर बात का जवाब